तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो HTML एंड CSS बिगिनर टू एडवांस प्लेलिस्ट का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने HTML का कुछ बेसिक है इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो अगर आपको HTML एंड CSS बिगिनर टू एडवांस पूरा सीखना है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने HTML का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था, तो आज की इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर को कोडिंग के लिए सेटअप करेंगे। जैसे कि हम HTML एंड CSS अपना लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से चले बिना किसी रुकावट के और काम फास्ट भी हो, उसके लिए कुछ शॉर्टकट की भी आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना कंप्यूटर HTML और CSS कोडिंग के लिए हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। तो हम सिंपली अगर हमें HTML लिखना है तो हम कहीं अपने विंडो के नोट पैड एडिटर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं नोट पैड सर्च किया, वहाँ लिखा तो कोड क्या था, तो HTML बॉयलर प्लेट का कोड क्या था, ये करके लेस देन डॉक टाइप HTML ब्रैकेट अपना लेस देन, इसके बाद HTML देन HTML ये रूट टैग है, HTML अगर ये क्लोजिंग टैग है तो इसके स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। अब इसके अंदर हमें कई सारी चीज लिखना है, तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है इसमें। अगर मैं इसे कोई आईडी में लिख रहा होता तो अभी तक का मैं इसे सिर्फ हाफ सेकंड में मैं ये पूरा लिख चुका होता। तो मैं ये लिख के आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो जो मैं लिख रहा था वो HTML का ये कोड है, ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड है। सिंपली अगर आप इसे सेव करते हो, बस हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका एक्सटेंशन जो है HTML होना चाहिए। बस इसको सेव करके आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्रोम का आइकन आ गया, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसका यहाँ आइकन बन के आ जाएगा। हम सिंपली इसे रन करेंगे, अब ब्राउजर में देख सकते हो कि दिस इज बॉडी लिख के आ रहा है, जैसा कि हमारे नोट पैड में हमने एडिट करके लिखा है। तो नोट पैड में हम लिख सकते हैं, निखिल हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है जो कि एक IDE में मिलेगी। मतलब IDE एक ऐसा टूल होता है जो हमारे काम को फास्ट बनाता है, ईजी बनाता है, और हमें ज़्यादातर ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, वैसे हमें मालूम होना चाहिए लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो उस टाइम ये सब आईडी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह हम HTML को नोट पैड एडिटर में भी सिंपली रन कर सकते हैं और उसको क्रोम में उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो हम अपना HTML कोड या कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम आईडी का यूज़ करेंगे। तो आईडी है क्या, IDE, व्हाट इज़ आईडी? तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन दैट कंबाइन कॉमन डेवलपर टूल इनटू अ सिंगल ग्राफिक यूजर इंटरफेस। काफ़ी सारे IDE हैं जिसमें हम अपना HTML, CSS या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेट IDE है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसे VS कोड भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। काफ़ी डेवलपर इसका यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप कोई और आईडी में अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो आप सिंपली आपकी मर्जी, आप किसी में भी कर सकते हो। आपको सिर्फ सीखने से मतलब है, उसका सेंटेक्स आपको आना चाहिए। तो जो मेरा फेवरेट है मैं आपको बता देता हूँ कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है। सिंपली हम VS कोड सर्च करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ जाके कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड अपना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें हम अपना सारा गेट सारा HTML CSS कोड रन करेंगे और हम अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। तो आप डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से ही VS कोड मेरे सिस्टम में अवेलेबल है,
तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा एक बार और। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप मत डाउनलोड करें, या आपके पास पहले से कोई और आईडी है या आप नोटपैड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई आईडी पे कोडिंग करें ताकि आपके समय बचे और कम समय में आप ज़्यादा कोड लिख सकें और आपको कोडिंग करने में भी मज़ा आएगा अगर आप वीएस कोड में कोडिंग करते हो तो। तो मैंने ये वीएस कोड ओपन कर लिया है। वीएस कोड में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट थिंग वीएस कोड की बता देता हूँ, जैसे जो कि हमारे आने वाले टाइम में काफ़ी काम आएगा। तो पहला, अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपली आप जैसे यहाँ कर्सर लेके आते हो तो आप यहाँ प्लस का फाइल क्रिएट न्यू फाइल न्यू फोल्डर देख सकते हो। जैसे ही आप कर्सर लाते हो तो वो हॉवर होके दिखाई देता है, तो आप उस पर क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, या आप इसी ब्लैक वाला जो ब्लैक वाली जगह है उस पर डबल क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको ये जो बड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है यहाँ डबल क्लिक करके आप फाइल का नाम लिख के कंट्रोल एस मार के आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली मैंने क्या किया, अभी मैंने इस खाली जगह पे डबल क्लिक किया, फाइल का नाम लिखा और कंट्रोल एस मार के इसे सेव किया, जिससे कि एक फाइल क्रिएट हो गई सिंपल। और उसके बाद जो मैंने लिखा था उसको हटा दूंगा। तो ये हुआ तीसरा तरीका, पहला तरीका यहाँ से, दूसरा तरीका यहाँ डबल क्लिक, और तीसरा तरीका यहाँ से। या फिर आप सिंपली आप राइट क्लिक करो और आपको ड्रॉप डाउन में न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हो, या फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ फाइल लिखा है और यहाँ न्यू फाइल इस पर क्लिक करके आप दबा सकते हो, या तो कंट्रोल एंड ये शॉर्टकट की है, आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि हमें वी एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जो कि हमारे काम को इजी बनाता है और काफ़ी काम इजी से काफ़ी फास्ट काम कर देता है। तो वीएस कोड जो है अपने एक्सटेंशन के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो सिंपली हम लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सर्च करेंगे लाइव देन सर्वर। ध्यान रखें कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए तभी यहाँ कोई रिजल्ट आएगा। या कोई भी एक्सटेंशन आप सर्च करते हो यूज़ करने के लिए तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास नेट होना चाहिए तभी यहाँ कोई रिजल्ट आएगा। तो मैंने पहले से ही लाइव सर्वर इंस्टॉल करके रखा है, आप सर्च करके उसे इंस्टॉल कर लेना। तो मैं आपको दिखा दूँ लाइव सर्वर कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लाइव सर्वर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो मुझे ये इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इनेबल कर लेता हूँ। आप भी इसे इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना, उसके बाद यहाँ आना, देन मैं आपको बताता हूँ कि लाइव सर्वर क्या क्या ये यूज़ है। लाइव सर्वर के आईडी मुझे यूज़ करने पे मुझे क्या फ़ायदा है। जैसे मैं सिंपली हम शिफ्ट मार के और वन क्लिक करेंगे, वन कौन सा, लेफ्ट साइड में टॉप पे टैब के ऊपर होता है वो मारोगे तो आपको एक एमेट देगा। आप सिंपली इसके बाद इंटर करोगे तो जो बॉयलर प्लेट थी ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। तो ये आईडी यूज़ करने के फ़ायदे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने ये सब के बारे में आपको बताया था कि ये डॉक टाइप क्या है, HTML का ये रूट टैग क्या है, हेड टैग क्या है, उसके अंदर क्या होता है और बॉडी टैग क्या है। तो इस तरह हम इसका बॉयलर प्लेट हम लाएंगे अपने कोई भी HTML फाइल में। मैंने यहाँ हेडिंग टैग डाला H1 एंड दिस इज हेडिंग, जैसे कि मैंने अभी नोटपैड में करके दिखाया था सेम वैसे ही है। दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पी टैग।
तो अब मैं आपको बताऊं कि ये लाइव सर्वर का क्या यूज़ है। तो अभी मैंने जो आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करने बोला था, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अगर आपका लाइव सर्वर आपका इनेबल है, आप देख सकते हो कि यहाँ इनेबल दिखा रहा है, तो अगर इनेबल है तो आप यहाँ राइट क्लिक करो, वो ड्रॉप डाउन में दिखेगा स्टॉप लाइव सर्वर या ओपन विथ लाइव सर्वर, ये दो ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें इसे वेब पेज में अपने देखना है तो ओपन विथ लाइव सर्वर, इसका शॉर्टकट की है Alt+L Alt+O। तो ओपन विथ लाइव सर्वर के लिए मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर एंड एलाउ एक्सेस करूँगा। तो यह हर टाइम काफ़ी एरर दिखा रहा है, सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट फॉर बिल्ड ओपन इन ब्राउज़र। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लाइव सर्वर ओपन कर रहे हो तो आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे वीएस कोड में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसीलिए ये नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिक ब्राउज़र को ओपन नहीं कर रहा है, लेकिन आपका ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो पोर्ट क्या है 5500। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और वहाँ सर्च करूँगा लोकल होस्ट कोलन 5500। तो आप देख सकते हो कि यहाँ दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पी टैग, ये लिख के आ रहा है जो कि मैंने यहाँ बॉडी के अंदर लिखा था। और मैं अगर यहाँ राइट क्लिक करूँ, क्रोम का डेवलपर टूल खोलूँ, तो आप यहाँ जो मैंने वहाँ लिखा है पूरा यहाँ लिख के आ रहा है। तो जो हेड टैग में है वो हिडन है, वो डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन है, वो सर्च इंजन के लिए होता है, जो बॉडी में हम लिखते हैं वही वेब पेज में दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूँ, चेंज करके उसे सेव करूँ, दिस इज स्पैन टैग, ये एक स्पैन टैग है, लाइक रैंडमली कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, आप कोई इमेज डाल सकते हो, कोई आइकन डाल सकते हो, या कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, वो टैग है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस मैंने दबाया और इसे सेव किया, तो आप यहाँ देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी आपको दिखा दूँ कि मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी वहाँ हो गया। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर उधर ही है, मैं सिंपली उसे सेव करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होएगा, आप यहाँ ध्यान देना। जैसे ही मैंने सेव किया तो देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ और वो कंटेंट हट गया, कंट्रोल जेड मैंने दबाया, सेव किया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ, वापस आ गया। जो भी मैं चेंज करा वो ये लाइव सर्वर क्या करता है, वेब पेज को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है और जो भी चेंज है वो दिखा देता है। तो यह बहुत ही यूज़फुल है लाइव सर्वर, आपको ये यूज़ करना चाहिए, आगे बहुत ही काम आने वाला है। और मैंने इस पे पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको और सेटअप देखना है तो आप, मैं वो वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस क्या क्या सेटअप करना है वो मैं दो पार्ट में वीएस कोड का सेटअप बनाया, तो आप उस वीडियो को देख करके अपना वीएस कोड सेटअप कर सकते हो और एक्स्ट्रा सेटअप कर सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक सेटअप जो हमारे आगे वाले अभी आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा इसे पहले बता दूं। तो आज की इस वीडियो में हमने वीएस कोड के बारे में जाना और वीएस कोड में और बॉयलर प्लेट का शॉर्टकट क्या है उसे देखा, और मैंने आपको लाइव सर्वर एक्सटेंशन के बारे में बताया और इसका यूज़ किया कैसे होता है इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे हम एक एक करके सारे टैग के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम सीएसएस सीखेंगे और फिर लास्ट में हम अपना एक बीच बीच में हम हल्की फुल्की वेबसाइट बनाते रहेंगे, जैसा जैसा हम सीखेंगे उस बेस के ऊपर हम अपना स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टैग के बारे में जानेंगे। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।